आई नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49 लाख के पार। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा 2024 तक दुनिया में हर किसी को वैक्सीन नहीं मिल सकती। देश में अब तक 80,000 से ज्यादा मौतें। जजों की अवमानना का मामला, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने 1 रुपया जुर्माना भरा। बोले इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है। चीन सीमा विवाद पर संसद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, चीन ने एलएसी और अंदरूनी इलाकों में भारी तादाद में सेना और गोला बारूद जमा किया, हमारी सेना भी तैयार है। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, अमृतसर जेल में बंद खालिस्तान समर्थक से मिलकर काम कर रहे 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, 6 अत्याधुनिक हथियार बरामद। सुशांत की मौत के 3 महीने बाद जेल फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है सीबीआई। नितेश राणे ने कहा उन्हें दिशा की मौत का सच पता है, सीबीआई के सामने करेंगे खुलासा। यूपीएससी ने जारी किया नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जाम सेकंड का फाइनल रिजल्ट। 17 नवंबर 2019 को ही परीक्षा में 662 कैंडिडेट का हुआ था सिलेक्शन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेना हुआ सस्ता, बैंक ने लोन की ब्याज दरों में की कटौती। कोरोना वायरस से ग्रस्त एशिया की अर्थव्यवस्था 1960 के बाद पहली बार नेगेटिव ग्रोथ में रहेगी, रिकवरी के बावजूद आउटपुट का अनुमान कम रहेगा। आईपीएल का 13वां सीजन, पाकिस्तान को छोड़कर 120 देशों में सारे मैच का लाइव टेलीकास्ट होगा, हिंदी अंग्रेजी के साथ 6 स्थानीय भाषाओं में भी कमेंट्री होगी। बिहार में बिजली गिरने से 7 जिले में 12 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। खास खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24। नमस्कार।